गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए कल की तैयारी आज ही करके चलते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो आज निफ्टी 138 पॉइंट गिरकर बंद हुआ 14,496 के लेवल पे। तो कल निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इट्स नॉट माय रिकमेंडेशन। तो अपना एनालिसिस एंड ट्रेड अपने ब्याप पे करें एंड इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अब निफ्टी 14,496 के लेवल पे है। अब सपोज सबसे पहले गैप अप की बात करते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी, अगर यहाँ के आसपास गैप अप ओपन होता है, तो उसके बाद निफ्टी में एक वेव ऐसे बन सकती है, तो ऊपर हर्डल बन सकता है ये 14,600 के आसपास, मतलब 14,630 का लेवल है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 14,600 के आसपास एक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल बन सकता है कल। तो निफ्टी वहाँ से एक रिटेस्ट, उसे रिस्पेक्ट देके वापस नीचे की साइड मूव करता है और नीचे की साइड मूव करके 14,400 तक के लेवल को छू सकता है। अगर सपोज इस टाइप की वेव बनती है और जो ये वेव बनाई इसने, जब रिस्पेक्ट करा और जब लो बनाया इसने, लोअर लो, अगर उसे भी उस लो को जब ये ब्रेक करता है, अगर इस अपने लो को ब्रेक करता है, उसके बाद ये 14,400 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है वापस निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में इस टाइम मोमेंटम काफ़ी वीक है और पुट कॉल रेशो भी 0.80 के आसपास है निफ्टी में, तो काफ़ी सेलिंग देखने को मिल रही है निफ्टी में। ये तो हो गई चलो गैप अप की बात। और सपोज अगर फ्लैट ओपनिंग होती है निफ्टी में, फ्लैट ओपनिंग बिल्कुल, तो फ्लैट ओपनिंग में अगर निफ्टी ऐसे नीचे की साइड मूव करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, मतलब कि अगर जो इसने वेव बनाई अपनी फर्स्ट वेव को भी ब्रेक करा नीचे की साइड, तो ये 14,400 के लेवल पे इस तरीके से जा सकता है नीचे निफ्टी। तो फर्स्ट वेव को ब्रेक करता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट नीचे की साइड, आप यहाँ पे शॉर्ट के पोजीशन के लिए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट वेव के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक छोटा स्टॉप लॉस। बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो 14,600 के ऊपर होना चाहिए, 14,630 के लेवल के ऊपर, सॉरी 14,630 के लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए निफ्टी में, तब आपको 14,400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर सपोज गैप डाउन ओपन होता है निफ्टी, तो पहले 14,400 का लेवल तुरंत आपको देखने को मिल सकता है और वापस एक बाउंस बैक मिलता है निफ्टी में, तो ऊपर की साइड भी एक तरीके से वापस रिस्पेक्ट दे सकता है 14,627 का लेवल, 14,627 14,630 का लेवल निफ्टी, इस तरीके से भी निफ्टी आपको दिखा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर निफ्टी 14,400 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता, अगर निफ्टी 14,400 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता तब इसमें ये जल्दी आपको 14,270 तक के लेवल दिखा सकता है, आपको निफ्टी में 14,270 के लेवल भी दिख सकते हैं। अगर 14,400 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है, नीचे की तरफ वायलेट कर तोड़ देता है, तो 14,270 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। अगर फर्स्ट वेव बनती है और फर्स्ट वेव को क्रॉस करता है, सेकंड वेव बनाता है निफ्टी, तो ऊपर की साइड, तो फर्स्ट वेव का जो लो बनाया है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप आगे सेकंड वेव पे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ऊपर का रेसिस्टेंस रहेगा आप निफ्टी के लिए 14,630 का
और नीचे एक सपोर्ट बन सकता है पहले 14,400, और 14,400 को अगर तोड़ता है निफ्टी तो 14,272 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में आने वाले टाइम में। तो ये तो हो गया निफ्टी में, निफ्टी की बात, निफ्टी में इसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल हैं? तो बैंक निफ्टी भी आज 195 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। एक न्यूज़ आई थी कि बैंक्स ने आरबीआई को रिक्वेस्ट करा है कि 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया जाए, अलाउ किया जाए। तो जैसे ही वो न्यूज़ आई, एकदम से बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिली। सारे बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग स्टॉक्स पिटने लगे एकदम से। तो ये देखिए, इस तरीके से गिरावट देखने को मिली बैंक निफ्टी में। लेकिन कल के लिए आपको क्या करना है? तो बैंक निफ्टी भी मुझे काफ़ी वीक लग रहा है, क्योंकि मैं ऑप्शन डाटा जो देख रहा हूँ उसमें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है ऊपर की साइड, बजाय पुट राइटिंग के। क्योंकि पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बिलो 1 पहुंच चुका है। तो अब बैंक निफ्टी अगर गैप फ्लैट ओपन होता है तो एक बार को रीटेस्ट कर सकता है ये 31,900, मतलब 32,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर इस तरीके से, मैं दोबारा बनाता हूँ, अगर इस तरीके से वेव बनती है, चार्ट का पैटर्न दिखता है आपको, तो जैसे ही ये फर्स्ट वेव का ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रख के फिर शॉर्ट करके चल सकते हैं। और अगर फर्स्ट वेव आपसे छूट जाए तो सेकंड वेव पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर सेकंड वेव के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट के लिए चल सकते हैं। लेकिन ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस हो जाता है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको बहुत फास्ट गेम होती है। तो यहाँ पे थोड़ा अगर वोलेटाइल हो गया मार्केट तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसमें ना ही प्रॉफिट बन पाता है, लॉस बल्कि ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखें, वेट करें जब अपॉर्चुनिटी मिले। तो पहले अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे की साइड जाता है तो 32,000 का लेवल इजली दिखा सकता है आपको बैंक निफ्टी। और अगर ऊपर की साइड ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो पहले एक बार को रीटेस्ट कर सकता है अपना 32,800 का लेवल, 32,750 के आसपास बैंक निफ्टी एक बार ऊपर की साइड रिस्पेक्ट दे सकता है अपने हर्डल को। और वहाँ से एक फिर नीचे की साइड मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। और फिर अगर आप ऊपर के आसपास शॉर्ट मार के चलेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बनेगा, और फिर आप 32,000 के लेवल के लिए मतलब 700-800 पॉइंट की रेंज मिलेगी आपको। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा बैठेगा आपका, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऊपर बाउंस बैक पे शॉर्ट मारे तो। और अगर सपोज सीधा नीचे की साइड गैप अप हो, गैप डाउन ओपन होता है, तो एक बार 32,000 के लेवल पे आप जो स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो 32,000 के लेवल के आसपास खरीद के चल सकते हैं। और 32,000 के लेवल पे खरीदेंगे तो अगेन एक बार को ऊपर की साइड ये रिटेस्ट कर सकता है 32,750 का लेवल। लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग टाइप हो जाती है, इसमें आप मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं। तो हमेशा इस मार्केट में कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के साथ ही चलें ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट। ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको जल्दी ही बाहर निकलना होता है जैसे प्रॉफिट दिखे, और अगर लॉस हो रहा है तो भी काट के फटाफट से बाहर निकलना होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर सपोज एक और बताता हूँ, अगर 32,000, अगर 32,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाता और उसे ब्रेक करता है तो 31,500 का लेवल फिर खुला है उसके लिए, तो 31,500 का लेवल दिखा सकता है बैंक निफ्टी। अगर 32,000 का लेवल तोड़ता है
तो वहाँ पे आप चल के तोड़ता है, तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड, जो भी वेव बनी है मार्केट में, जो भी हर्डल आपको दिख रहा है, फिर वहाँ पे एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी अगेन मिल सकती है 31,500 के लेवल के लिए। तो इन्हीं सारे फैक्ट्स के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना जरूर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।